मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्रियों के बंगला खाली करने को लेकर सियासत जारी है। पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और कहा कि नोटिस दिया गया था लेकिन हमारे भी कुछ अधिकार हैं, हमारी भी पात्रता है, अन्याय सहने वाला भी दोषी होता है, इसलिए हम आवाज उठा रहे हैं क्योंकि प्रदेश सरकार ने कुछ पूर्व मंत्रियों को चुन चुन कर नोटिस दिया है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर भी साधो ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा देश और प्रदेश में स्थिति भयावह बनी हुई है लेकिन प्रदेश में कोरोना आंकड़ों की बाजीगरी चल रही है, पिछले 7 दिनों में स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ी है। आज जो स्थिति देश और प्रदेश में भयावह हो गई है वो आम जन के लिए, आम जनता के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति में हो रही है। आंकड़ों की बाजीगरी या आंकड़ों के खेल में प्रदेश और देश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है। आंकड़ों में बताया गया कि हम पूरे विश्व में 3रे नंबर पे हैं अमेरिका ब्राजील के बाद, लेकिन पिछले 7 दिनों में स्थितियां कुछ और ही कह रही है कि हम अमेरिका ब्राजील को बात करके नंबर 1 की स्थिति पे पहुंच गए हैं।